अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बटर गार्लिक चिकन। तो उसके लिए मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन 350 ग्राम है, बोनलेस चिकन है मेरे पास। हड्डी मैंने सारी निकाल ली थी, 500 ग्राम लिया था, तो उसमें से हड्डी निकाल के तकरीबन 350 ग्राम मेरे पास बच गया है। इसके अलावा मैंने ले लिया है नमक, काली मिर्च है और गार्लिक है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तकरीबन ये 10 तुरियाँ हैं, 10 से 12 तुरियाँ, उसको मैंने चॉप कर लिया था। मैदा ले लिया है, ये सब चीज़ें मैं हस्बे ज़रूरत डालूंगी इसमें। इसके अलावा ले लिया है मैंने मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन है, जितना ज़रूरत होगा उतना मैं इसमें डालूंगी। तो जी मैरिनेट कर लेते हैं हम चिकन को। तो मैरिनेशन के लिए मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी मैदे का, तकरीबन 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च, नमक डालूंगी मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर ज़रूरत हुई तो मैं और डाल दूंगी। तो अभी मैंने तकरीबन 1/3 चम्मच का तीसरा हिस्सा डाला है इसमें नमक का। मैरिनेट कर लेंगे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी मैरिनेट करके। मिलते हैं मैरिनेशन के बाद। तो जो 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें ऐड करूंगी मैं मक्खन। मक्खन को हम कर लेंगे मेल्ट। अभी इसमें मैं थोड़ा मक्खन डाला है, इसमें थोड़ा मैं बाद में ऐड करूंगी। मेल्ट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड लहसुन। इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। एक से दो मिनट के लिए हमने इसको सौते करना है लो फ्लेम पे। तो सौते हो चुका है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के मैदे का। मैदे को हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे, इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं कि इसी तरह हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी चिकन स्टॉक। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है रेडीमेड, तो आप इसको तकरीबन 2 पीस लें चिकन के, उसको 1 कप पानी में बॉईल कर लें, तो हमारे पास वो यखनी तैयार हो जाएगी, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया जो हमने मैरिनेट करके रखा था। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने और ऐड की है। यहाँ पे मैंने मक्खन भी थोड़ा और ऐड कर दिया था, जो कि वीडियो मेरे पास से स्किप हो गई है, तो वो मैंने मक्खन इसमें ऐड कर दिया था। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे आपस में। इसमें मैंने 1 कप पानी का ऐड किया है ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है ताकि ये अच्छे से पके। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो ये सख्त हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा, जल्दी से कुक भी हो जाएगा। तो हमने इसको लो फ्लेम पे रखना है ताकि इसकी ग्रेवी भी अच्छी बने और ये अच्छे से हमारे कुक भी हो जाए, अंदर तक से ये पक जाए, सॉफ्ट भी होगा ये चिकन और ये अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी क्रीमी सी हो चुकी है।
जी यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पार्सले, तकरीबन 2 से 3 चुटकी इसमें मैंने पार्सले डाला है। ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है, मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।